किसान भराओ, इस प्रोग्राम राही असीं तुहानूं झोने की सीधी बिजाई अते खेती विच पानी की बचत बारे कामयाब हो चुके किसानां नाल मिलवा रहे हां, तां जो इन्हां किसानां दे तजर्बियां तों तुहानूं प्रेरणा मिल सके अते तुसीं अजिहियां पानी बचाऊ तकनीकां नूं अपने खेतां विच अपना के सफल किसान बन सको। मेरा नाम बहादुर सिंह, पिंड महतापुर, ब्लाक गढ़शंकर। मैं झोने की पिछले साल भी झोने की सीधी बिजाई की थी, तो मेरे 45 खेत है। मैं तकरीबन पिछले साल भी 10-15 खेत बिजाई की थी, बड़ा वधिया झाड़ रहा। तो मैनू पट्ठे की प्रॉब्लम सीगा थोड़ा, वो असी बिजाई वेले थोड़ी गलतियां कर गए, तो सुक्का ही झोना बीज दिता सीगा जी, जो उहदे विच पट्ठे की प्रॉब्लम सुक्का बीजन करके आया। तो इस साल असी महकमे के नाल खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ना तालमेल किया, तो उन्होंने कैंप अटेंड किए, वो सानू यही सुझाव देंदे भी रौनी करके, दोहरी रौनी करके, तो खेत लेजर लैवल करा के फिर रौनी तो बाद सुहागा मार के ड्रिल दे नाल ही करना है। ड्रिल तो बाद उस टाइम साड़ी जिहड़ी पट्ठे वाली स्परे करानी है। स्परे करन तो बाद फिर असी एक महीना पूरा असी उहदा गौर रखना, तो रोजाना ही खेत दे विच गेड़ा मारना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी जे तुसीं गौर रखते हैं। सीधी बिजाई करन नाल साडे लेबर दा खर्चा घटदा आ, ते साडे अपने बहाई दा, ते मेन प्रॉब्लम जिहड़ी साडी पानी दी आ, डूंघा पानी हुंदा, ओह पानी बहुत ही घट लगदा। जदके जो असी कद्दू करके लाते वो बराबर ही ये जो झाड़ आता है, तो झाड़ भी वो बराबर ही करते हैं, कणक की तरह ही असी इनू पानी लाते हैं। मैं तो हरेक जिमीदार भरा यही अपील करूँगा कि जो भी खेती करता है झोना बीजदा है, कद्दू करके 10 खेत लाता, वो दो खेत जरूरी तजर्बे के हिसाब न कर, पर तजर्बा ये अपनी मर्जी के नाल ना कर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सलाह के नाल जो डॉक्टर की सलाह हैगी उस हिसाब न कर, पूरा कामयाब होगा। वरायटी भी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहते हैं उ झोने की बीजी जाए, तो ना कि अपनी मर्जी के नाल। आप तजर्बे दे विच देखिया जिस झोन के खेत के पिछले साल PR 126 लाया आ, ऐतकी 130 वरायटी बीजांगे, वो जो पिछले साल का बीज गिर रहा है वह भी जम पैंदा आ, वह जम पैंदा, तो फिर वह झाड़ उच्चे नीवे हो जाते, जिमीदार फिर थोड़ा जिहा महसूस करता भी ये साडे बीज रलिया, वो बीज रलिया नहीं हुंदा, वो साडे जो पिछले साल झोना गिरया खेत दे विच, यही कोशिश की जाए अपने खेत दे विच किहड़ी वरायटी पिछले साल घट टाइम वाली लगी है जां वध टाइम वाली लगी है, उही वरायटी सीधी बिजाई च बीजी जाए, ताकि वो जिहड़ा पिछले साल का झोना गिरया आ भी वह उही वरायटी साढ़े नाल बीज अटैचमेंट कर सकती। जे तुसी घट टाइम वाली पिछले साल बीजी आ जी ज़्यादा टाइम वाली, तो एंड विच आके थोनों वो झाड़ उच्चे नीवे दिखने लग जाते हैं, तो वह फिर अगे पिछे पकते हैं, इस करके भी जिमीदार का झाड़ कट जाता है। झाड़ कट्टण दे साढ़े अपने ही जेडे ना देख रेख करके ही कारण है, एक्चुअली जे असी पूरा ध्यान दे नाल इह बीजांगे तो झाड़ कट्टण दे कोई चांस नहीं है। पूरा आम कद्दू वाले झोने जिन्ना ही झाड़ निकलू, सीधी बिजाई झोना लाते हैं, ये एक महीना थोड़े मूँह नहीं लगता, देखने जिदा आम कद्दू वाला झोना लग्या हुंदा उस दे मुकाबले च ये थोड़ा घट दिखाई दिंदा है। जिमीदार कहिंदा भी मैनू घाटा पै जाणा, पर वो एक्चुअली मगरों आनी आके बराबरे जो कद्दू वाला झोना आ उहदे बराबरे उहदा ग्रोथ हो जाती है। तो कद्दू वाले तो साडा खर्चा कद्दू का भी वाह बहाई का, तो सारा बरसात पानी का, कदे मीह ज़्यादा पै गया जां घट पै गया, ये जदों मीह पैण लग जाते फिर इस झोने की सानू कोई पानी लाण की तो समस्या ही नहीं, जिहड़ी सीधी बिजाई है मीह दे नाल ही साडा सर जाता है, इस करके साडा पानी भी बहुत बचता है जे असी सीधी बिजाई करदे। इस वीडियो राही किसान ने अपने निजी तजर्बे तुहाडे नाल सांझे कीते ने। इन्हां निजी तजर्बियां नूं अपनी जमीन की तासीर अते पौन पानी अनुसार लागू करदे होए खेतीबाड़ी माहिरां दी राय अनुसार ही अमली जामा पहनाउणा चाहीदा है।